प्रियंका जी को देख रहे हैं आप? देखो, प्रियंका जी की तो सबसे बड़ी भूमिका है ही है, तो उसमें तो कहना मतलब वो होगा कि अगर इलेक्शन मेरा पूरा संभाला उन्होंने, राहुल जी का इलेक्शन संभाला, तो दोनों सीटों के ऊपर तो प्रियंका जी ही लड़ी हैं एक्चुअली। नहीं देखिए, उन गठबंधन के लोगों ने भी अच्छे से काम किया यहाँ पे, कोई ऐसा नहीं, मतलब कोई भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं था जिसने अपने ड्यूटी नहीं निभाई। सब लोगों ने, गठबंधन के जितने भी साथी थे, मतलब आज तक भी के भी जिला अध्यक्ष जी जिनके यहाँ बैठे ही हम लोग, उन्होंने भी किया, जो लोकदल था उन्होंने भी किया, तो ये सब लोगों ने मिलकर किया काम, ठीक है। अब है कि भाई अखिलेश जी की पार्टी भी अच्छे से कंधे से कंधा मिला के लगी हुई थी, तो गठबंधन का सही से अगर नीचे तक काम हुआ है तो यहाँ हुआ मेरे को लगता है, और यहाँ भी और रायबरेली में। वैसा जीतने के लिए तो लड़ा गया है इलेक्शन, ठीक है, तो उसमें तो कुछ कहने की बात नहीं है। बाकी यहाँ की जो इलेक्शन की जीत होती है ना, जो कल से मैं बैठा हूँ यहाँ पे, तो अगर जैसे हम लोग थे, अगर एग्ज़ाम हमारा ठीक नहीं हुआ होता था तो हम लोग घर वालों को इधर उधर आँख चुराते थे कि हाँ ठीक हो गया। अब ऐसे ही जो अभी जब वर्कर आ रहा है, वर्कर कह रहा है भाई सब बूथ नोट करिए और रिजल्ट देखिए, तो इसका मतलब ही इज़ कॉन्फिडेंट, क्योंकि लड़ाई तो अल्टीमेटली उसने लड़ी है बूथ के ऊपर। जब वो कि मेरे को बूथ का नंबर दे रहा, नाम लिख लीजिए भाई साहब मेरा, इलेक्शन के बाद मिलूंगा, तो मेरे को अच्छा लगता है कि वर्कर कॉन्फिडेंट है कि उसने अपना बूथ जिताया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक, मैं हूँ आपके साथ अभिषेक कुमार त्रिपाठी। जैसा कि अमेठी लोकसभा सीट का चुनाव जो है कल संपन्न हो गया, अमेठी लोकसभा चुनाव का जो सीट का जो चुनाव था कल जब संपन्न हुआ तो यहाँ पे 54.17% मतदान हुआ, तो वहीं उसके बाद लगातार राजनीतिक जो विद्वान थे एक लगातार कयास लगा रहे हैं, तो एक गांव के कुछ बुजुर्ग लोग भी कनबैठी कहे तो कनबैठी टाइप का भी जो है कयास लगा रहे हैं कि कौन जीत सकता है। लेकिन लगातार ये चर्चा चल रही है कि अमेठी जो देश विदेश में हॉट सीट कही जाती थी, वह चुनाव भी कांटे का था और चुनाव परिणाम भी कांटे का होने वाला है। इसी बीच अमेठी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी किशोरीलाल शर्मा जी हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि आज पुण्यतिथि पर जो है राजीव जी को आज माल्यार्पण किया है, कल चुनाव संपन्न हुआ, जनता के बीच में आप लगातार गए, किस तरह का प्रेम जनता को मिला? नहीं, जनता का अच्छा है, क्योंकि हमारे चुनाव तो हमारे कार्यकर्ताओं ने लड़ाया, मैंने तो कम किया लेकिन कार्यकर्ताओं ने ज्यादा मेहनत किया, क्योंकि चुनाव यहाँ पे कोई हम लोग इलेक्शन के टाइम पे नहीं लड़ते, उसके पहले हमारी बूथ कमेटीज वगैरह सारी रेडी होती है, तो क्योंकि लोगों की डिमांड थी गांधी परिवार के लिए, तो काम तो हुआ ही हुआ था पहले से ही, तो इसलिए कोई लड़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं गई। कार्यकर्ताओं ने सर अपने कंधों पर ले लिया, इलेक्शन ठीक रहा। अरे, क्या आप मान रहे हैं कि अमेठी का चुनाव जो था, जो एक चुनाव शुरू में जब यहाँ पे कांग्रेसी संघ जो कार्यकर्ता थे उनके समर्थक थे वो लगातार गांधी परिवार को मांग को लेकर कयास लगा रहे थे, आप आए, थोड़ा कुछ मायूसी जरूर आई थी, लेकिन उसके बाद जो एक जोश आया, वो प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पे लगातार उन्होंने कैंपेन किया, तो क्या चुनाव में बड़ी भूमिका प्रियंका जी को देख रहे हैं आप? देखो, प्रियंका जी की तो सबसे बड़ी भूमिका है ही है, तो उसमें तो कहना मतलब वो होगा कि अगर इलेक्शन मेरा पूरा संभाला उन्होंने, राहुल जी का इलेक्शन संभाला, तो दोनों सीटों के ऊपर तो प्रियंका जी ही लड़ी हैं एक्चुअली। अच्छा, चुनाव प्रियंका गांधी लड़ी, यहाँ पे आप जैसा कि गठबंधन था, इंडिया गठबंधन अलायंस भी था, अखिलेश यादव ने बड़ी जनसभा की थी और लोगों से अपील की थी कि आप लोग जो है कांग्रेस को वोटिंग करिए, तो इंडिया अलायंस या अखिलेश की रैली, अखिलेश के इंडिया अलायंस की गठबंधन कितना रोल रहा आपके चुनाव को लेकर? नहीं देखिए, उन गठबंधन के लोगों ने भी अच्छे से काम किया यहाँ पे, कोई ऐसा नहीं, मतलब कोई भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं था जिसने अपने ड्यूटी नहीं निभाई। सब लोगों ने, गठबंधन के जितने भी साथी थे, मतलब आज तक भी के भी जिला अध्यक्ष जी जिनके यहाँ बैठे ही हम लोग, उन्होंने भी किया, जो लोकदल था उन्होंने भी किया, तो ये सब लोगों ने मिलकर किया काम, ठीक है। अब है कि भाई अखिलेश जी की पार्टी भी अच्छे से कंधा मिला के लगी हुई थी, तो गठबंधन का सही से अगर नीचे तक काम हुआ है तो यहाँ हुआ मेरे को लगता है, और यहाँ भी और रायबरेली में। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, लगातार जो कयास है, एक चर्चा चल रही है अमेठी का जो परिणाम होगा उसका चौंकाने वाला भी हो सकता है, लगातार ये चर्चा चल रही है, और एक रोमांचक चुनाव हुआ, आप कितना अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है? तो ऐसा जीतने के लिए तो लड़ा गया है इलेक्शन, ठीक है, तो उसमें तो कुछ कहने की बात नहीं है। बाकी यहाँ की जो इलेक्शन की जीत होती है ना, जो कल से मैं बैठा हूँ यहाँ पे, तो अगर जैसे हम लोग थे, अगर एग्ज़ाम हमारा ठीक नहीं हुआ होता था तो हम लोग घर वालों को इधर उधर आँख चुराते थे कि हाँ ठीक हो गया। अब ऐसे ही जो अभी जब वर्कर आ रहा है,
वर्कर कह रहा भाई साहब बूथ नोट करिए और रिजल्ट देखिए, तो इसका मतलब ही इज कॉन्फिडेंट, क्योंकि लड़ाई तो अल्टीमेटली उसने लड़ी है बूथ के ऊपर। जब वो मेरे को बूथ का नंबर दे रहा, नाम लिख लीजिए भाई साहब मेरा, इलेक्शन के बाद मिलूंगा, तो मेरे को अच्छा लगता है कि वर्कर कॉन्फिडेंट है कि उसने अपना बूथ जिताया है। जी हमारे साथ थे ये कांग्रेस के प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अपनी जीत को लेकर वो कॉन्फिडेंट हैं और आश्वस्त हैं कि यहाँ पे हम एक अमेठी लोकसभा सीट पर एक बड़ी जीत दर्ज करेंगे। लेकिन अब ये देखने वाला समय 4 जून की तारीख बताएगा कि यहाँ पर जीत का सहरा किसके सर पर सस्ता है। अमेठी से यूपी तक के लिए अभिषेक कुमार त्रिपाठी।